शिवपुरी में आफत की बारिश। इस बार अंचल पर मॉनसून जबरदस्त ढंग से मेहरबान नजर आ रहा है और मॉनसून की मेहरबानी की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अगस्त के पहले हफ्ते में ही जिले में आधे से अधिक बारिश हो गई। पिछले दो दिन से लगातार कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला चल रहा है। नतीजे में अंचल की छोटी बड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। कहीं दीवार धराशाही हो गई तो कहीं मकान, घर सहित खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। सड़कों के हाल बेहाल हैं। कोलरस के रन्नौद इलाके में कई रास्ते नदियों के उफान के चलते बंद हो गए, कई घरों में पानी भर गया। बता दें, भारी बारिश के कारण पचावली सहित कूना नदी पुल से ऊपर बह रही है। कई गाँवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कई गाँवों का रास्ता बंद हो गया। इस बारिश पिछले साल की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। तीन दिनों में हुई बारिश से पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। कूना नदी का पानी पुल से ऊपर बहने से शिवपुरी शिवपुर मार्ग और पचावली नदी चढ़ने से अशोकनगर शिवपुरी मार्ग बंद हो गया है।